हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज बहुत से स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सिर्फ रेडमी के डिवाइस में ही देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूँ। तो बहुत सारे फ़ोन में फाइंड डिवाइस क्लोज अनएक्सपेक्टेडली लिखा आ रहा है, तो इससे हो ये रहा है कि बार बार डिवाइस रिस्टार्ट हो रहा है, मतलब कि फ़ोन जैसे ही ऑन होता है और लॉक खोलते ही फ़ोन फिर से ऑफ हो जाता है। किसी किसी डिवाइस में थोड़ा लेट रिस्टार्ट हो रहा है, तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक 100% वर्क करेगी, क्योंकि उस ट्रिक को मैंने खुद यूज किया है और उसी ट्रिक को आप जैसे बहुत से व्यूअर ने भी यूज किया है और उनका प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में भी आया था, तो मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आया और मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया। तो उससे पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूँ। तो अगर आपने अपने फ़ोन में एयरटेल थैंक्स ऐप इंस्टॉल किया हुआ है तो इसे अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एयरटेल थैंक्स ऐप की वजह से ही आ रहा है। मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए एयरटेल थैंक्स ऐप के नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने यही प्रॉब्लम बताया है कि इस ऐप की वजह से फ़ोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। अब गाइस ये क्वेश्चन है कि एयरटेल ऐप को इंस्टॉल कैसे करें, क्योंकि फ़ोन ऑन करने के बाद लॉक खोलते ही फ़ोन दोबारा से स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका भी सलूशन बताऊंगा कि इसको डिलीट कैसे करना है। तो उससे पहले बताता हूं कि मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम कैसे आई और मैंने कैसे एयरटेल ऐप को अनइंस्टॉल किया। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो है और मेरे पास ये फ़ोन 2 है, बिल्कुल सेम स्टोरेज, सेम कलर एंड सेम प्राइस में। तो मैंने एक फ़ोन में एयरटेल की सिम डाल रखी है और दूसरे फ़ोन में वोडाफोन की। तो जिसमें एयरटेल की सिम है उसमें एयरटेल थैंक्स ऐप भी इंस्टॉल था, तो मैं उस फ़ोन को ऐसे ही नॉर्मल यूज कर रहा था। तो थोड़ी देर में देखा कि ये प्रॉब्लम अपने आप ही आने लगी, फ़ोन बार बार रिस्टार्ट होने लगा और फ़ोन का लॉक खोलते ही फाइंड डिवाइस क्लोज अनएक्सपेक्टेडली लिखाने लगा और फिर से फ़ोन रिस्टार्ट होने लगता था। तो मैंने सोचा कि सर्च करूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो वीडियो आ गई, तो मैंने एक वीडियो को प्ले किया तो उसमें बताया था कि ये MIUI 12 के अपडेट का प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अगर ये MIUI 12 अपडेट का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मेरे दोनों फ़ोन में आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों फ़ोन में MIUI 12 का सेम वर्जन है। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करके बताया था कि ये एयरटेल थैंक्स ऐप की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, इसे अनइंस्टॉल कर दो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो सोल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन ऐप को अनइंस्टॉल कैसे करूँ क्योंकि फ़ोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। तो मैंने अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया था, फिर ऑन किया, फिर फ़ोन थोड़ी देर के लिए सही चल रहा था। तो मैंने उस टाइम पे एयरटेल थैंक्स ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। तो जब से एयरटेल थैंक्स ऐप अनइंस्टॉल किया है आज 2 दिन हो गए, अभी तक एक बार भी फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हुआ। तो आप भी एयरटेल ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, तो फ़ोन को आधा एक घंटा स्विच ऑफ रखें, फिर उसके बाद ऑन करें, फिर ऐप को डिलीट कर दें। जब बार बार स्टार्ट होता है तो उस टाइम भी आपको 4 से 5 सेकंड मिलते हैं, तो आप उस टाइम में भी ऐप को डिलीट कर सकते हैं। गाइज अगर आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप नहीं है लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने फ़ोन को रिसेट कर दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी लेकिन आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।